कि हमारे को रैशनलाइजेशन के अंदर नीचे तो दो इंडिविजुअल वैल्यूज देके उनके बीच का साइन चेंज करके उनको उसी वैल्यू के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर आप देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में हम ये तो एक वैल्यू मान लेते हैं और ये एक वैल्यू मान लेते हैं, तो अगर हमारे को a + b a - b की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो हमारे को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस a के साथ और a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस a के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट पूछे सर मल्टीप्लाई डिवाइड ही क्यों, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते तो भी काम बन जाता। अब स्टूडेंट्स में बात यह है कि हम रामानुजन की फैमिली से तो है नहीं, द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन, तो हमारे घर की खेत की मूली तो है नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम फॉर्मेट जरूर चेंज कर सकते हैं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे को ध्यान रखना है कि जब भी करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन a प्लस b a माइनस b, अगर हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस a का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो ये ऊपर तो रह जाएगा b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a और नीचे इसमें से स्क्वायर रूट तो नमस्ते हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर की नमस्ते हो जाएगी, सिर्फ b स्क्वायर रह गया तो b स्क्वायर से b स्क्वायर की नमस्ते हो जाएगी। तो हमने देखा कि इसका जो नेट आंसर रह गया वो हमारा रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो ये हमारा पहला जो पार्ट था उसका इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करेंगे। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वैसे तो क्या बहुत इजी है लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, बोले भैया इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूं कि भाई जब ऑर्डर ही पिज्जा किया है तो पास्ता कैसे आएगा, नहीं ना, तो इसका मतलब आप कड़ी गलत तरीके से रहे हो तो फिर आंसर कैसे आएगा। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट रैशनलाइज कर देते हैं, लेकिन I 100% रिकमेंड कि पहले इसको सिंपलीफाई करा जाए। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हम देख रहे हैं तो 4√3 प्लस का 5√2 ऐसे केस। अगर हम 48 को सिंपलीफाई करेंगे, 48 के फैक्टर्स अगर हम ब्रेक करेंगे तो 48 जो है वो हो जाएगा 4 1 4 4 2 4 1 4 4 3 और 3 1। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार 4 है तो हम इसको 4√3 लिख सकते हैं। आप सब जानते हैं कि क्योंकि 2 बार 4 था इसलिए 12 के 1 बार आ जाएगा और 3 ऐसे भी ऐसे। प्लस कि हम 18 को भी ब्रेक कर सकते हैं, देखते हैं तो 3 1 3 3 6 3 2। तो हमने देखा कि 18 में भी 2 बार 3 है तो 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 3√2। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। अगर हम उसी स्टेप पे कर देते तो बहुत टेक्निकल हो जाता हमारा क्वेश्चन और उसमें हमारे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हम जब भी करेंगे किसी भी चीज को रैशनलाइज करेंगे तो सिंपलीफाई करके करेंगे। अब दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे करेंगे तो 4 4 16 और 16 3 हम जानते हैं 48, इसको हम इससे करेंगे तो जाएगा माइनस का 4 3 12 √6 √3 √2 √6, इसको हम इससे करेंगे तो 5 4 20 √6, इसको अगर हम इससे करेंगे तो 5 3 15 15 2 30 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय, नीचे तो हमको दिख रहा है a plus b minus b की आइडेंटिटी बनी रही है तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 16 3 48 माइनस 3 3 3 3 3 है, होगा सबको मालूम है, 9 9 2 18। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 48 माइनस 30 जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये प्लस का 8√6 रह जाएगा होल डिवाइडेड बाय ये जो रह जाएगा 30 रह जाएगा। अब आप चाहें तो इसके अंदर कॉमन लेके नमस्ते कर सकते हैं, हम देख रहे हैं इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन रह जाएगा तो रह जाएगा 9 + 4√6 / 15, 2 कॉमन आके हमने नमस्ते कर लिया
और यही हमारा आंसर है। तो आई होप आप सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन। और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो रैशनलाइजेशन का, किसी भी और चैप्टर का जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे को बताइए, हम उसके आपके लिए वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू।